स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि निम्न में से अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है। तो अदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब पहला हो जाएगा इथोपिया। अब आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देते हैं। पहले तो आप याद रखिएगा अदिस अबाबा का अर्थ क्या है। अदिस अबाबा का अर्थ है नवीन पुष्प, नया पुष्प को अदिस अबाबा के नाम से जानते हैं। और इथोपिया की राजधानी ही अदिस अबाबा है, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है। अदिस का मतलब होता है नया और अबाबा का मतलब होता है पुष्प। यह नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई है। ठीक है, 1878 में इस नगर को बसाया गया है। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी से, यानी कि यह पर्वतीय घाटी स्थलाकृतियों पर स्थित है। यानी ये पूरा का पूरा जो है ये स्थलाकृति, यानी कहने का मतलब पर्वत पर बसा हुआ है। सड़कों का प्रतिरूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। अब चूंकि आपको सड़क वैसा ही मिलेगा उतार चढ़ाव वाला, क्योंकि कैसा पर्वतीय घाटी में है। राजकीय मुख्यालय प्याज्जा अरात आसमीट किलो से चारों ओर सड़कें जाती है। और कहने का मतलब ये पूरी तरह से आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो बस आपको इतना याद रखना था, अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। और इसके लिए कुछ यहाँ शब्द थे, वह भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको थोड़ी सी नक्शा में दिखा देते हैं कि इथियोपिया है कहाँ पर। इथियोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। तो ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका का जो है अफ्रीका महादेश का नक्शा है। यहाँ पर आपको इथोपिया देखने को मिलेगा। इथोपिया के आसपास के देश की अगर हम बात करें तो इरिटेरिया, सूडान, साउथ सूडान, इसके बाद केन्या, इसके पड़ोसी देश हो जाएंगे सोमालिया, इसके बाद ये जो सोमालिया देख सकते हैं, इसके बाद जिबूती, जिबूती ये इसके पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इथोपिया जो है अफ्रीकन देश है।